हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैकेनिकल पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर वन। और W जो है ये मैकेनिकल एनर्जी है, इसको मैं H यानी हीट एनर्जी के साथ चेंज कर सकता हूँ। और जब ऐसा हम करेंगे तो इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी, पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर टू। इस इक्वेशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं और वो ये है कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको हम इक्वेशन नंबर फोर कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर फोर को हम इक्वेशन नंबर थ्री में जब रखेंगे तो हमारे पास हीट एनर्जी एच बन जाएगी वी आई और साथ आएगा टाइम। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव। अब आप जानते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। जब इक्वेशन नंबर सिक्स को हम इक्वेशन नंबर फाइव में रखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वर्जन है इक्वेशन का वो आ जाएगा H इज इक्वल टू आई आर आई टी, जो कि ब्रैकेट से बाहर है। I इंटू आई मिक्स हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम आई स्क्वेयर आर एंड टी। सो दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर हीट एनर्जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेवन का नाम भी दे सकता हूँ। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो पता चलता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट को डबल करने से हीट एनर्जी फोर टाइम्स बढ़ती है, रेजिस्टेंस को डबल करने से हीट एनर्जी टू टाइम्स बढ़ती है और टाइम को डबल करने से हीट एनर्जी फिर से टू टाइम्स बढ़ती है, दो गुना हो जाती है। That's it. Goodbye.